स्वागत है आपका ट्रैवल आरजी चैनल पे। आज हम आपको अहमदाबाद स्थित अडालज की वाव की सैर पर ले चलते हैं। यह वीडियो आपको अडालज की वाव के बारे में पूरी जानकारी देगा। आप जब भी अडालज की वाव देखने जाते हैं तो यह वीडियो पहले जरूर देख लेना। अडालज की वाव, जिसमें गुजराती में अडालजनी वाव के नाम से जाना जाता है, इस वाव को यहाँ पर लोग रूड़ाबाई की वाव के नाम से भी जानते हैं। यह वाव भारत की पश्चिम दिशा में आए हुए गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के पास अडालज गांव में बनी हुई है। यह एक स्टेपवेल प्रकार की संरचना है। इसे सन 1498 में राणा वीर सिंह की याद में उनकी पत्नी रानी रूड़ाबाई द्वारा बनवाया गया था, जिसका निर्माण सन 1499 में पूरा हो गया था। अडालज की वाव भारतीय स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। भारत सरकार द्वारा इस वाव को हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। अडालज की वाव जटिल रूप से बनी हुई है, जो 5 मंजिला गहरी है। इसे सन 1498 में बनाया गया था, जिसका इतिहास संस्कृत भाषा में एक शिलालेख में लिखा हुआ है, जो वाव की पहली मंजिल पर एक संगमरमर की पत्थर पर पाया जाता है। इसका निर्माण दंडाई देश के वाघेला वंश के राणा वीर सिंह द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही वह एक युद्ध में मारे गए, जिसके बाद पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने इसे 1499 में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में पूरा करवाया था। स्टेपवेल में संस्कृत शिलालेख वर्णन करता है कि संवत 1555 मार्च का महीना महमूद पटसा का राजा होना विनायक को प्रणाम, जिनकी जाति दंडी देश के प्रमुख राजा मुकला से भी उनसे कर्ण का जन्म हुआ, जिसका पुत्र मूलराज था, महिप मूलराज का पुत्र था और वीरसी और नाइसा महिप के पुत्र थे। वीरसी की रानी, जिसका नाम रूडा है, इस कुएं का निर्माण करवाया था। यह इस समय पर समर्पित है जब सूर्य उत्तर में होता है। महीना माध उज्ज्वल अर्ध शुक्ल पर्ष, 5वां दिन सप्ताह का दिन बुधवार, चंद्र हवेली उत्तरा, कर्ण बाबा योग सिद्धि। 15वीं शताब्दी में वाघेला राजवंश के राणा वीर सिंह जी को एक हिंदू शासक थे, उन्होंने इस क्षेत्र जिसे दंडाई देश के नाम से जाना जाता था, उस पर शासन किया था। उनका यह राज्य छोटा था और वहां पर अक्सर पानी की कमी रहती थी, इसलिए यह राज्य बारिश के पानी पर आत्मनिर्भर था। अपने राज्य की प्रजा की पानी की समस्याओं को कुछ हद तक कम करने के हेतु से राणा वीर सिंह ने इस वाव का निर्माण 1498 में शुरू करवाया था। इससे पहले कि इस वाव का निर्माण कार्य पूरा होता, उससे पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने राज्य पर हमला कर दिया। राणा वीर सिंह इस युद्ध में मारे गए और उनके इस राज्य पर मोहम्मद बेगड़ा ने कब्जा कर लिया। रूड़ाबाई की वाव नाम के पीछे भी कहानी है। राणा वीर सिंह की पत्नी जो विधवा हो चुकी थी, रानी रूपबा, जिसको रूड़ाबाई के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने पति की याद में सती बनने का प्रयास भी किया, लेकिन बेगड़ा ने उसे खुद की जान देने से रोक लिया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वहाँ इस शर्त पर, शादी के प्रस्ताव पर सम्मत हुई कि पहले इस कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो जाए।
उसके बाद वे शादी करेगी। मुस्लिम राजा रानी के रूप से अत्यधिक प्रभावित थे, इस कारण उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दर्शाई और जल्दी से इस कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया, जो सन 1499 में पूरा हो गया। कुएं का कार्य पूरा होते ही बेगड़ा ने रानी रूड़ाबाई को अपनी शर्त याद दिलाई। जब अपने पति द्वारा शुरू करवाई गई इस कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का उद्देश्य रूड़ाबाई का पूर्ण हो चुका था, इसलिए रानी ने बेगड़ा से शादी करने के बजाय अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया और उसे इसी कुएं में कूदकर अपने ही पति की याद में अपनी जान दे दी। इसलिए इस वाव को रूड़ाबाई वाव से भी जाना जाता है। अडालज की वाव 5 मंजिला घर है, जो सोलंकी स्थापत्य शैली में बलुआ पत्थरों से बनी है। ऊपर की ओर यह वाव अष्टकोणीय है और बहुत सारे खंभों पर खड़ी है। प्रत्येक मंजिल पर कॉरिडोर बने हुए जहां पर लोग बैठ सके। यह वाव बलुआ के पत्थरों से बनी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस वाव के अंदर पहुंचने के लिए 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, जो इस वाव को गुजरात की दूसरी वावों से अलग करता है। उत्तर दक्षिण तरी पर बनी हुई यह वाव की कुल लंबाई 251 फीट है। इस वाव में उत्तर दिशा से बने कुएं करीब 50 फीट गहराई से बना हुए 5 मंजिला गहरी यह इमारत जमीन में मिलने वाले पानी से प्रथम स्तर पर बनी हुई है, जिसकी वजह से गर्मियों में पानी का बाष्पीभवन कम से कम मात्रा में होता है। पानी की कमी वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होने वाले इस प्रकार की स्थापत्य विश्व में सिर्फ गुजरात और राजस्थान में ही ज्यादातर पाए गए हैं। जमीन में उनकी खुदाई के दौरान मिट्टी में सब कुछ दब न जाए, उसकी वजह से पत्थर की दीवार बनाई हुई है, जिसके सिर्फ पत्थर के ब्लॉक से खड़ी की हुई है। करीब 500 साल पहले बनी यह इमारत धरतीकंप और पूर की स्थिति में भी अड़ीखम खड़ी हुई थी। यह उसके बांधकाम के इंजीनियरिंग का कौशल का ख्याल देती है। इस वाव में दूसरी वाव की तरह ही कुएं की तलहटी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां अच्छी तरह बनी हुई है, जो सीधा आपको पानी की सतह तक पहुंचा देती है, जबकि पशु पक्षी को पानी पिलाने और सिंचाई की आपूर्ति के लिए 70 फुट व्यास वाला कुएं में ऊपर से पानी खींच सके ऐसी व्यवस्था भी हुई है। कुएं की और जाती सीढ़ियों के दोनों ओर गहरी गैलरी स्वरूप में पत्थर के चरोखे बने हुए हैं, जहां पर यात्री अपनी प्यास बुझा कर थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा इस वाव को हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। इंजीनियर कौशल के उपरांत यह वाव एक आध्यात्मिक भाव भी देने वाली है। इस वाव के ऊपर माता जी का स्थापन भी किया हुआ है, जिसके कुएं की ओर जाते रास्ते में वाव में चरोखे में माता का त्रिशूल, शेर और गणेश जी का शिल्प भी देखने को मिलता है। इसी तरह इस वाव को यही यात्रा हमारी यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।